वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ओपन कास्ट माइंस में धड़ल्ले से यूज़ होता है, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेडर मशीन के बारे में। हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग ग्रेडर मशीन का ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करवाते हैं और ये मशीन कैसे किन तरह के कामों के लिए यूज़ होने वाली मशीन है, और साथ ही साथ इस मशीन से रिलेटेड जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेक श्योर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए हम लोग समझते हैं ग्रेडर मशीन के बारे में। दोस्तों ग्रेडर मशीन को हम लोग बेसिकली मोटर ग्रेडर के नाम से भी जानते हैं और सिंपली इसे ग्रेडर मशीन भी कहते हैं। ये मशीन आपके ओपन कास्ट माइंस में होल रोड को मेंटेन करना, होल रोड को लेवलिंग करना, होल रोड को सफाई करने के काम में आने वाली मशीन होती है। यहाँ पे अगर आप इस फिगर में गौर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो मशीन देख रहे हो इस मशीन का कम्प्लीटली नाम होता है ग्रेडर। और यहाँ पे ये मशीन क्या कर रही है, तो होल रोड, ये जो हमारा रोड है उसी को हम लोग होल रोड कह रहे हैं, तो ये होल रोड को मेंटेन कर रही है। क्या कर रही है कि लेवलिंग कर रही है यहाँ पे रोड को। आप देखो कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद था उसको वो अपने ब्लेड के हेल्प से उसको वो ठेल करके साइड करते हुए जा रही है। और यदि यहाँ पे कोई भी गड्ढा उड्ढा होगा तो उसको वो जो साइड वाला माल है उससे वो गड्ढा को फिल करवाने का काम भी करेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मशीन है वो आपका माल को उठाता नहीं है बल्कि उसे ठेल करके गड्ढे में भरने का काम करती है, या ज़मीन को छील करके माल को साइड में ठेलते हुए लेवलिंग करने का काम करती है। ये मशीन आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन से चलती है और ये आपका टायर माउंटेड मशीन होती है। और ये मशीन का जो सबसे काम आने वाला जो पार्ट्स होता है वो आपका इसका ब्लेड होता है। इसी ब्लेड के हेल्प से यह जो मशीन है वो आपका लेवलिंग करने का काम करती है, या फिर आप कह लीजिए ग्रेडिंग करने का काम करती है। इसका जो ब्लेड है ना दोस्तों वो कुछ एंगल पे इसका जो ब्लेड है वो आपका लगभग 60 डिग्री के एंगल तक इसका जो ब्लेड है वो मूव कर पाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ एंगल पे यहाँ पे ये आपका डिविएट किया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि इसका जो ये जो ब्लेड है वो आपका 60 डिग्री के अराउंड ये रोटेट कर पाती है ताकि जो भी माल है उसको वो साइड में, यहाँ पे आप देखो कि एक पाइल का जैसा फॉर्म किया हुआ साइड में, तो उसको वो साइड करते हुए जा सकती है। इसलिए इसका जो ब्लेड होता है वो मूवेबल होता है किसी भी एंगल पे, यानी कि मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका जो ब्लेड है वो 50 से 60 डिग्री के एंगल पे मोड़ सकता है। और इसी ब्लेड के नीचे में एक आपका कटिंग एज भी लगा होता है, कटिंग एज, जिसके कारण यह जो ग्राउंड है उसको वो थोड़ा सा काटने का काम करती है, काटने के साथ साथ उसे लेवल वे करते हुए जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके और भी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे इस फिगर में अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एक जो मशीन है वो आपका रोड को मेंटेन करने का काम कर रही है। क्या कर रही है कि यहाँ पे ये जो मशीन है वो आपका सिंपली लेवलिंग करने का काम कर रही है। ये जो आपका मटेरियल है, जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है, उसको वो आपका लेवलिंग करने का काम कर रही है, उसको साइड करने का काम कर रही है। साथ ही साथ जब साइड कर रही है तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन आप देखो तो यहाँ पे कुछ पाइल का जैसा बन रहा है, बर्म के जैसा बन रहा है, तो उसको भी वो बनाने का काम करती है। क्या करते हैं कि जब भी हम लोग इस मशीन का यूज़ करवाना होता है तो उससे पहले हम लोग वाटर स्प्रेइंग करवा देते हैं होल रोड में। जब वाटर स्प्रेइंग करवा देंगे होल रोड में तो क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स है उसका सेपरेशन होगा, वह दबेगा और अच्छे तरीके से वो डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ के रखेगा और डस्ट पार्टिकल्स आपका उड़ेगा नहीं। तो उसके बाद जब हम लोग सबसे पहला तो वाटर स्प्रेइंग करवा देते हैं, उसके बाद इस मशीन का यूज़ करके हम लोग जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको हम लोग लेवलिंग करवाने का काम करते हैं। तो ये है, और इसके अगर हम लोग पार्ट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप इस सेक्शन में देखोगे इस डायग्राम में तो आपको कई चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे इसका जो ब्लेड है इस चीज़ को हम लोग ब्लेड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एडजस्टेबल ब्लेड कहते हैं। और इसमें जो टायर होता है उसको हम लोग न्यूमेटिक पैनान्यूमेटिक टायर्स कहते हैं। इसमें 6 टायर्स लगे होते हैं,
पैनानोमेटिक टायर कहने का मतलब कि वैसा टायर जिसमें हम लोग हवा भरते हैं उसको हम लोग पैनानोमेटिक टायर कहते हैं। तो इसमें टायर आपका आप देखो कि 6 के साइज में है, एक आपका 2 ये साइड फ्रंट में और 4 आपका पीछे के साइड में। आप देखो कि यहाँ पे इसका एक टायर से दूसरे टायर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब कि इन दोनों में दूरी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसको डिस्टेंस अच्छा इन दोनों के बीच में अगर अच्छा से आप डिस्टेंस नहीं दोगे तो इसका जो ब्लेड है वो अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। और इसका मैंने आपको बताया कि कुछ एंगल पे मूव करता है, तो आपको जब इसको एंगल मिलेगा नहीं, मूव करने के लिए जगह मिलेगा नहीं, तो ये इसका जो ब्लेड है वो मूव नहीं कर पाएगा जो एंगल पे हम लोग मूव करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस को मेंटेन किया गया और आपका 2 टायर्स आगे में दिए गए और 4 पीछे के साइड में। ये जो टायर्स होते हैं उस वो आपका ऑल व्हील ड्राइव होता है, यानी कि हर टायर में आपका पावर मिलता है। ये हो गया। अगर हम लोग चाहें तो इस मशीन के पीछे के साइड में हम लोग रीपर अरेंजमेंट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपका ऑपरेटर केबिन हो गया, यहीं पे ऑपरेटर बैठते हैं। और इस ब्लेड को मूव करवाने के लिए हम लोग बेसिकली लिफ्ट सिलेंडर का हेल्प का यूज़ करते हैं। लिफ्ट सिलेंडर से ही ये मशीन का क्या करते हैं कि जो ब्लेड है उसको हम लोग जब हम लोग को लेवलिंग करवाना होगा रोड पे तो उसको वो नीचे ज़मीन में करेंगे, और यदि हम लोग को जब मूव करवाना है सिंपली तो इस ब्लेड को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ लिफ्ट सिलेंडर के हेल्प से। और यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यहीं से आपका धुआं निकलता है। ये हो गया, ये आपका मेन फ्रेम हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपके मोटर ग्रेडर के पार्ट्स और भी चीज़ें के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मशीन फॉर ग्रेडिंग क्लीनिंग एंड लेवलिंग द होल रोड। मैंने आपको बताया कि यह बेसिकली क्लीनिंग लेवलिंग ग्रेडिंग करने का काम करती है। कहाँ पे? तो हॉट रोड को ये मेंटेन करने का काम करती है। ये जो मशीन है वो आपका कोई भी मटेरियल को लिफ्ट नहीं करती बल्कि उसको पुश करती है। आप सिंपली कह सकते हो कि यह आपका बुलडोजर के जैसा ही है। उसमें बुलडोजर क्या होता है कि वो हैवी पावर होता है उस बुलडोजर में, ताकि वो अगर कहीं पे भी बड़ा बड़ा बोल्डर का पीसेज आ जाएगा तो उसको वो ढकेल करके काम पुशिंग करने का काम कर देती है। लेकिन जो ग्रेडर मशीन है उसका इफ़िशेंसी कम होता है क्योंकि यह टायर माउंटेड मशीन है। तो इससे हम लोग जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स है उसको हम लोग पुशिंग करने का काम करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट जस्ट पुशेज द लूज मटेरियल टू लेवल द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि दिस मशीन इज़ अ व्हील माउंटेड डीजल मशीन। तो ये था आपका ग्रेडर मशीन के बारे में। आइए हम लोग अब इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं ताकि जो हमने कंसेप्ट को गेन किया है वो अच्छे तरीक़े से हमें समझ में आया है या नहीं आया वो क्वेश्चन के माध्यम से ये क्लियर हो पाएगा। तो जी सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ अ ग्रेडर इज, ऑप्शन ए बुलडोजिंग, ऑप्शन बी लेवलिंग, ऑप्शन सी रोड मेकिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा ग्रेडर क्या करता है? बुलडोजिंग का काम करता है। बुलडोजिंग करने का मतलब है कि सिंपली पुशिंग करने का भी काम कर रहा है, तो ये तो करता है भाई। सेकेंड है आपका लेवलिंग, लेवलिंग तो हमने देखा कि कैसे रोड में वो लेवलिंग करते हुए जा रहा है। तीसरा है रोड मेकिंग, लेवलिंग करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम लोग रोड मेकिंग रोड को बनाते हुए जा रहे हैं तो रोड मेकिंग भी कर रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका मोटर ग्रेडर इज, ऑप्शन ए आपका यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ स्पिलेज रॉ और कोल बोल्डर्स ओवर द होल रोड, ऑप्शन बी यूज फॉर ग्रेडिंग द ओपन कास्ट रोडवे, ऑप्शन सी इट इज़ अ टायर माउंटेड मशीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप समझें कि क्या कह रहा है कि यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ स्पिलेज। जब हमारा होल रोड, ये हमारा होल रोड में अगर कोई भी डंपर इसमें प्लाय है वो रन कर रहा है तो क्या करेगा कि कभी कालो उसका जो मटेरियल होता है वो इस रोड पे गिरता है, तो गिरता है उसको वो क्लीनिंग करने का काम तो मोटर ग्रेडर करता है। तो यहीं पे आपका कह रहा है कि यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ स्पिलेज, जो मटेरियल गिरा हुआ उसी को हम लोग स्पिलेज कह रहे हैं, तो उसको करने का काम तो करता है।
सेकंड कह रहा है कि यूज्ड फॉर ग्रेडिंग द ओपन कास्ट रोडवे। तो ये जो ओपन कास्ट रोडवे है उसको वो लेबलिंग करने का काम कर रहा है, ग्रेडिंग करने का काम कर रहा, तो ये भी ऑप्शन में आपका कर रहा। तीसरा है कि इट इज़ अ टायर माउंटेड मशीन। तो बेसिकली हम लोगों ने फिगर में भी देखा कि यह टायर माउंटेड मशीन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।